तस्वीरें आपको जयपुर से दिखाएंगे जहां पर बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। मदन राठौर क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए आप। उसकी आधारशिला रखी, रेल यात्रा को और तेज करने के लिए 8 नई रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दी, जिसके लिए 4.42 करोड़ मेन डेज को रोजगार उत्पन्न होंगे। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मंजूरी दी। पश्चिमी बंगाल के बागडोगरा बिहार में बिहटा और नई सिविल एनक्लेव की मंजूरी दी। आगसी और मिनी कौर में नई हवाई पट्टी का भी और बनाने की स्वीकृति दी। बेंगलोर में मेट्रो फेज 3, पुणे मेट्रो, ठाणे और इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी। किसान के लिए हम जानते हैं कि कृषि बीमा को लेकर के उन्होंने बहुत वृहद तरीके से योजनाएं दी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, लगभग डबल और कर दी उन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस 9.30 करोड़ का, और किसानों को जो रुपया दिया 20,000 करोड़ रुपया उन्होंने वितरित करवा दिया, जो आप किसान सम्मान निधि के रूप में आप सब जानते हैं। 12.33 करोड़ किसानों को 3,00,000 करोड़ रुपए वितरित किए। 2024-25 में खरीफ फसलों के लिए ये मैंने आपसे निवेदन किया कि MSP बढ़ाई 12,100 करोड़ में आंध्र प्रदेश में पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। 14,200 करोड़ के परिव्यय के साथ 7 प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी। इसी प्रकार से राष्ट्रीय समिति द्वारा नई राष्ट्रीय सहकारिता समिति नीति का ड्राफ्ट वो प्राप्त हो चुका है, मसौदा भी तैयार कर दिया गया है और उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड जैविक उत्पाद परिषद के बीच MOU का वो अंडरस्टैंडिंग हुआ। NCOL द्वारा उत्तराखंड में किसानों की जैविक उपज को लाभकारी मूल्य पर खरीदा गया, लाभ का और हिस्सा किसानों को मिले इसका भी उन्होंने सुनिश्चित किया। हमारे देश में श्री अन्न, जो आप जानते हैं कि मक्का बाजरा, इसको और विश्व स्तरीय मान्यता दिलाई, और वो हम सब जानते हैं कि इसको पहले किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता था, उस दिशा में भी उन्होंने श्री अन्न का इतना प्रचार प्रसार कर दिया और इसके लाभ ये दुनिया को बताया, जिसके कारण से आज मल्टीग्रेन जो आटा वगैरह खरीदने का ये भी मन में लोगों के और भाव बना है, जिसके स्वास्थ्य के लिए भी अनुकूल वातावरण बनेगा, प्रभाव होगा। एथेनॉल का उत्पादन, ये हमारे उत्पादक इकाइयों को भी इन्होंने बढ़ाने का काम किया। प्याज का निर्यात ये कैसे बढ़े इसके लिए उन्होंने और निर्यात शुल्क में कटौती की, पहले 40% थी उसको 20% किया। यही नहीं, कच्चे पाम और सोया सूरजमुखी तेलों का जो आयात ड्यूटी जो पहले थी उसको उन्होंने बढ़ाई, ताकि इससे हमारे यहाँ का जो रिफाइंड तेल है और उसको और किस प्रकार से और अधिक किसानों को लाभ मिल सके। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम का विस्तार किया। जम्मू कश्मीर में 3,300 करोड़ की कृषि योजनाएं, विकास परियोजनाएं शुरू की। वाराणसी में 30,000 कृषि सखियों को कृषि में और उनकी भूमिका के लिए सम्मानित किया। मौसम जलवायु अनुकूल भारत बनाने के लिए 2,000 करोड़ के मिशन मौसम को मंजूरी दी। इसी प्रकार से एग्री स्कोर नामक एक नया फंड लॉन्च किया, जिसे किसान क्रांति लाने में स्टार्टअप के लिए और इसके लिए भी और जाना जाता। और चलिए यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और आगे आपको दिखाएंगे गांव शहर 100 खबर। नमस्कार, नमस्कार।